विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के डॉक्टरों से संवाद को लेकर अब बिहार की सियासत में तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। सत्ताधारी दल के निशाने पर तेजस्वी एक बार फिर आ गए हैं। बीते रोज जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी को कोई बंधक नहीं बना सकता, तो इसका भी उग्र विरोध शुरू हो गया। इस बयान को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हास्यास्पद बयान दिया है। इस बयान से लगता है कि तेजस्वी यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है। इसी साल के मई महीने में लालू यादव रिहा हुए हैं, लेकिन अभी भी वो बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव को यह पता होना चाहिए कि लालू यादव सजा याफ्ता व्यक्ति हैं। वो जेल की सजा काट कर बेल पर रिहा हुए हैं। तेजस्वी यादव थोड़ी याददाश्त मजबूत करेंगे तो लालू के सारे घोटाले उनको याद आएंगे और किस तरह से जेल गए, किस तरह कैदी नंबर 3351 का टैग लगा, ये सब कुछ उन्हें याद आ जाएगा। संजय सिंह ने लालू रावड़ी पर हमला करते हुए कहा, जो डॉक्टर उनकी सभा में पहुंचे थे उनमें से कई के माता पिता डॉक्टर रहे होंगे, वो अपने माता पिता से पूछ लें तो पता चलेगा कि तेजस्वी के माता पिता ने किस तरह डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया था। लालू राबड़ी की सरकार में डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता था। डॉक्टर अपनी पसंद की गाड़ी नहीं ले सकते थे, फिरौती के लिए उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी ने भी तेजस्वी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव डॉक्टर्स के सहारे अपने मुद्दों को साधने में लगे हैं, डॉक्टर्स के वो बिल्कुल भी हितैषी नहीं, लेकिन सियासी फायदे के लिए तेजस्वी डॉक्टर्स को झूठा प्रलोभन दे रहे हैं, डॉक्टर्स के मन में जहर खोलकर राजद्रोह करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कि डॉक्टर्स से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की आस लिए तेजस्वी यादव का ये कदम अब उन्हीं पर भारी पड़ता जा रहा है।